Dinesh cooking classes. Hello everyone. सब फटाफट ज्वाइन हो जाए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन दूंगी. थैंक यू सो मच खाद्य खुराक न्यूज़ चैनल की आपने मुझे ये मौका दिया. मैं रूपाली भाटिया, जिनेश कुकिंग क्लासेस, औरंगाबाद. और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे वैनिला बटर बटन वाला रेसिपी जो है कुकीज़ का, वो सिखाने वाली हूँ. थैंक यू सो मच लता कपूर और अल्पना जी कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया है. मैं फर्स्ट टाइम ये न्यूज़ चैनल पर लाइव आ रही हूँ. हेलो प्रियंका, हेलो मनीषा, हेलो जसविंदर. आज हम लोग यहाँ पे वैनिला बटर कुकीज़ का जो है वो रेसिपी देखने वाले हैं. और वैनिला बटर कुकीज़ के लिए जो मेजरमेंट्स हमको लगेंगे यहाँ पे सब रेडी है. बहुत सिंपल सा रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये कुकीज़ हमारे बनते हैं. मैं जिनेश कुकिंग क्लासेस से रूपाली भाटिया 9 ईयर्स से कुकिंग क्लासेस ले रही हूँ. और मेरे पेज का नाम जिनेश कुकिंग क्लासेस के नाम से ही है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. और खाद्य खुराक में आज मुझे जो ये मौका दिया है वो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू सो मच. अभी अगर हम लोग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ. इंग्रेडिएंट्स के लिए आज का जो ये हमारा कुकीज़ है ये है वैनिला बटर कुकीज़, मैंने नाम ही दिया है. तो जो सिंपली बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं, यहाँ पे मैंने लिया है बटर, आइसिंग शुगर, देन मैदा और वैनिला एसेंस. बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स में हमारा ये डिलीशियस कुकीज़ जो है ये बनने वाला है. पीछे एक बड़ा बना है. यहाँ पे अभी हम लोग रेसिपी को स्टार्ट करेंगे. और रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बटर ले रही हूँ. मैं मेजरमेंट्स एक बार रिपीट करती हूँ. यहाँ पे मैंने जो बटर लिया है वो लिया है 80 ग्राम. 80 ग्राम हम लोगों को इसमें बटर लेना है. 100 ग्राम हम लोग इसमें लेंगे मैदा. और इसमें 30 ग्राम मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर लिया है.
और इसी के साथ साथ वैनिला एसेंस डालेंगे हम लोग 1 टीस्पून। पाउडर शुगर ले सकते हो? पाउडर शुगर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। यस रेखा जैन, आप लोग पाउडर शुगर ले सकते हो, सेम क्वांटिटी में आपको लेना है। आइसिंग शुगर से बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, इसलिए मैं आइसिंग शुगर यूज़ करती हूँ, और जो कुकीज़ का स्वीटनेस रहता है वो भी प्रॉपर रहेगा, इसलिए भी हम लोग आइसिंग शुगर यूज़ कर रहे हैं। ओके, अभी हम लोग रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए हम लोग अभी यहाँ पे बना रहे हैं वैनिला बटर कुकीज़। ठीक है, वैनिला बटर कुकीज़ के लिए मेजरमेंट्स अगेन रिपीट करूँगी। 80 ग्राम यहाँ पे मैंने लिया है बटर। इसके बाद में हम लोगों ने 100 ग्राम यहाँ पे लिया है मैदा, और 30 ग्राम लिया है मैंने आइसिंग शुगर। इसी के साथ साथ हम लोगों ने लिया है वैनिला एसेंस, बिकॉज हमारी कुकीज़ का नाम ही है वैनिला बटर कुकीज़। इसमें बटर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, 100 ग्राम मैदा है, तो 80 ग्राम बटर हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। जो बटर मैं यूज़ कर रही हूँ वो हम लोग ले रहे हैं अमूल बटर। सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम लोग इसमें अनसॉल्टेड बटर लेना चाहते हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर अनसॉल्टेड अवेलेबल नहीं होता है तो हम लोग इसमें सॉल्टेड वाला बटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये लिया है एक बॉल में बटर। घी ले सकते हो, बट कुकीज़ का नाम ही बटर कुकीज़ है, तो जो बटरी वाला टेस्ट आता है ना वो बहुत अमेजिंग रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बटर लिया। इसी के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी आइसिंग शुगर। आपने सॉल्टेड लिया है या अनसॉल्टेड? और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने अभी अनसॉल्टेड बटर लिया है, बट सॉल्टेड में भी ये बहुत अच्छे से बनती है कुकीज़। ठीक है, अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले बीटर से हम लोग ऐसे मिक्स कर लेंगे, और फिर बीटर को जो है ऑन करना है। अगर बीटर नहीं है तो आप स्पैचुला या विस्कर से भी इसको कर सकते हो। प्लग के हिसाब से हम लोग यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा जगह चेंज किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बीटर से बीट कर लेंगे। Thank you.
अच्छे से एक मिनट इसको बीट करने के बाद इसमें हम लोग वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। और अगेन इसको मिक्स करना है। इसी के साथ साथ हम लोग इसमें मैदा डाल देंगे। पहले हम लोग ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देन बिटर को घुमाएंगे, जिससे कि मैदा पूरा हर जगह स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम लोग ये कुकीज़ के डो से कुकीज़ बनाएंगे। एक्सप्लेन अगेन। ओके, मैं आप रेसिपी को अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। और रेसिपी अगेन एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने बटर लिया है 80 ग्राम, ठीक है। बटर हम लोग लेंगे 80 ग्राम, देन इसके बाद में मैदा है 100 ग्राम और वेनिला एसेंस लेना है 1 टीस्पून। आइसिंग शुगर लेंगे हम लोग 30 ग्राम, ठीक है। मैंने बटर और आइसिंग शुगर को दोनों को एक साथ लेके 1 से 2 मिनट के लिए काफ़ी अच्छे से बीट कर लिया है। देन इसके बाद में हम लोगों को इसमें एसेंस डालना है और मैदा डालना है और काफ़ी अच्छे से बीट कर लेना है। ना ही इसमें हमारा बेकिंग पाउडर जाएगा, सोडा नहीं जाएगा, तो भी ये जो कुकीज़ है बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही डिलीशियस जो है वो बनने वाली है। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम लोग इसको एक पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे विद नोजल। तो यहाँ पे पाइपिंग बैग यूज़ कर रहे हैं और नोज़ल जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये नूर का नोज़ल है 10 नंबर का, ठीक है। इस तरह से ये नोज़ल को मुझे यूज़ करना है। मैं 2 टाइप्स इसमें बताऊँगी। इसी के साथ साथ हम लोग इसमें 1 mm नोज़ल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी हम लोग ये कुकीज़ को बना सकते हैं। 1 mm नोज़ल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको लेना है। एक बेकिंग ट्रे ले सकते हैं। यस, गेहूं के आटे के साथ भी आप लोग ये रेसिपी को बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले लिया है कुकीज़ के लिए। इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है इस तरह से। आप बटर पेपर ना लगाते हो तो बेकिंग पेपर भी लगा सकते हो, या नीचे से सिर्फ ओनली बटर से ग्रीस भी कर सकते हो। घर का मक्खन नहीं चलेगा, आपको बटर यूज़ करना है, बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नोज़ल में डाल के हम लोग ये कुकीज़ बनाने वाले हैं, जिससे कि इसको बहुत ही परफेक्ट शेप आएगा और साथ ही साथ दिखने में ये बहुत ही अमेजिंग दिखेगी। और जितना दिखने में डिलीशियस रहेगा उतना ही खाने में भी डिलीशियस लगता है। सो अभी हम लोग यहाँ पे ये देखो, इस तरह से मेरे पास जो है वो बैटर है। बैटर देखोगे आप, ये कुकीज़ का डो फॉर्म नहीं हुआ है, इस तरह से बैटर है जो एकदम स्मूथ वाला पेस्ट है। इसको हम लोग लेंगे एक स्पैचुला की हेल्प से, हम लोग इसको पैकिंग बैग में फील करेंगे, ठीक है। नोजल को दिखाओ। नोजल पहले देखो, ये यहाँ पे दिखाती हूँ, नूर का 10 नंबर का नोजल है।
ओके, ये देखो ये नोजल, और अब हम लोग इसके साथ वर्क करेंगे। बहुत ही अमेजिंग ये हमारी कुकीज़ जो है ये बनती है, ये देखो इस तरह से, और इतनी ही ब्यूटीफुल जब ये बेक होगी तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग इस मतलब इसका जो है शेप एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है, और दिखने में भी बहुत ही स्मार्ट दिखने वाली है। वन मोर हम लोग इसी तरह से इसमें यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। कुकीज़ ना ही बहुत पतली होनी चाहिए कभी भी, ना ही बहुत मोटी होनी चाहिए। सी, बहुत ही परफेक्ट बैटर हमारा हुआ है, और बहुत ही परफेक्टली ये कुकीज़ जो है यहाँ पे स्प्रेड हो रही है, ठीक है। देखो आप कितना ब्यूटीफुल है ये। इसी के साथ साथ मैंने आपको बोला कि हम लोग इसमें दो नोज़ल यूज़ करेंगे, मतलब दो तरीके से इसको बना सकते हैं। तो ये है यहाँ पे मेरे पास 1 mm नोज़ल, ठीक है। 1 mm नोज़ल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से नोज़ल लिया, इसमें हम लोग हमारा बैटर फिल करेंगे, सकते हाँ कर सकते हो आप स्टार नोज़ल से एकदम छोटी छोटी बेबी कुकीज़ जो है वो बना सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगी, ठीक है। अब इसके लिए पहले तो मैं बेकिंग के लिए ओवन को प्रीहीट करूँगी 120 डिग्री पर, मुझे इसको प्रीहीट करना है, ठीक है। 120 डिग्री पर हम लोग ओवन को प्रीहीट करेंगे, दोनों रॉड ऑन होने चाहिए 120 डिग्री पर। 10 मिनट्स के लिए हम लोग ओवन को प्रीहीट करेंगे, अगर आप माइक्रोवेव में बनाते हो या फिर कन्वेक्शन मोड पर बनाते हो, ठीक है। 120 डिग्री पर मैं मेंशन कर रही हूँ, 120 डिग्री पर हम लोगों को इसको यहाँ पे क्या करना है, प्रीहीट करना है ओवन को। भले उसमें माइक्रोवेव रहेगा तो भी चलेगा, या तो फिर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, OTG में भी बेक कर सकते हैं। अगर आप गैस पे बेक करना चाहते हो तो भी कम गैस पे हम लोगों को इसको करना है। अभी मैं 1 mm नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रोज़ेट हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे, और यहाँ पे इस तरह से ये कुकीज़ जो है ये बेक होगी। एकदम डिलीशियस सा ये यहाँ पे लुक दिख रहा है, और ये दिखेगा फ्लावर के जैसा, और इस तरह की थिकनेस हम लोग इसको रखेंगे कि बेक होने के बाद ये परफेक्टली फॉर्म हो जाए, ठीक है। वन मोर यहाँ पे सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे। डन, अब इसको बेकिंग के लिए लगाना है। बट बटर वाला कुकीज है, जब हम लोग बेकिंग के लिए लगाएंगे तो मे भी ऐसे हो सकता है कि ये तुरंत ही स्प्रेड हो जाएगा, तो इसको हम लोगों को 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट डीप फ्रीजर में रखना है, जिससे कि ये थोड़ा सेट हो जाता है, तो देन उसके बाद में हम लोग इसको बेकिंग करेंगे। 10 मिनट ओवन प्रीहीट होता है, तब तक हम लोग इसको फ्रिज करेंगे। फ्रीजर में रखते हो तो 10 मिनट्स के लिए, नॉर्मल फ्रिज में अगर आप इसको स्टोर करते हो तो नॉर्मल फ्रिज में हम लोगों को इसको हाफ एन आवर रखना होगा, ठीक है। वैनिला बटर कुकीज़ हम लोग अभी यहाँ पे बना रहे हैं, और इसको बेकिंग के लिए और इसके लिए डालते हैं। तब तक मैं इसी बैटर से आपको एक सेकंड रेसिपी भी बताऊंगी। जिनेश कुकिंग क्लासेस से मैं रूपाली बाठिया आज आपके साथ खाद्य खुराक पेज पर हम लोग वैनिला बटर कुकीज़ ले रहे हैं, और बहुत ही सुपर वाला ये रेसिपी है, और बहुत सिंपल है, आसानी से आप लोग इसको घर पे जो है बना सकते हो, ठीक है। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा फ्रिज कर देंगे एक साइड में। मैंने ओवन को प्रीहीटिंग के लिए रखा है 120 डिग्री पर, दोनों रॉड्स ऑन करके 120 डिग्री पर प्रीहीट करना है, ठीक है। मैं जस्ट इसको एक बार फ्रिज में छोड़ के आई। Thank you.
उसको मैंने प्रीहीटिंग भी लगा दिया अवन को, साथ ही साथ फ्रिज में भी हम लोगों ने उसको रख दिया है एक 5 to 10 मिनट्स के लिए। तब तक आपके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, साथ ही साथ इसी के साथ हम लोग जो दूसरा फ्लेवर देखने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मतलब ये थोड़ा सा फ्रिज होगा और अवन प्रीहीट होगा तब तक हमारा सेकेंड रेसिपी, और फिर वो रेसिपी होता है तब तक हमारा बेकिंग भी हो जाएगा। बेकिंग ओटीजी माइक्रोवेव, बेकिंग ओटीजी में भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, दोनों में किसी में भी करो। कन्वेक्शन मोड में कंपलसरी करना है आपको। साथ ही साथ उसमें और एक चीज ये रहेगा कि आपको 120 डिग्री पर प्रीहीट करना है। ओवन रहो या ओटीजी रहो, आपको 120 डिग्री पर पहले 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करना है। जैसे ही प्रीहीटिंग हो जाएगा देन उसके बाद में हम लोग इसको बेकिंग के लिए रखेंगे 120 डिग्री पर ही मिनिमम 15 मिनट्स के लिए। ठीक है, 10 टू 15 मिनट्स में हमारी ये जो कुकीज़ है ये रेडी हो जाती है। फ्रिज में कब रखना है बनने के बाद? नहीं, फ्रिज में हम लोगों को ये डो रखना है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे रोजेट वाला जो डिज़ाइन बनाया पाइपिंग बैग से डाला, नॉट कंपल्सरी कि इसको हम लोगों को पाइपिंग बैग से डालना है। ठीक है, ये भी एक चीज़ ध्यान रखो कि इसमें कंपल्सरी नहीं है कि पाइपिंग बैग से ही डालना है। आप नॉर्मली ये कुकीज़ का डो है, इसको हाथों से आप गोले बना के रख सकते हो, कुकीज़ कटर से कट करके रख सकते हो, सिंपली स्टार नोजल से छोटे छोटे पाइपिंग्स कर सकते हो, छोटे छोटे मोदक या स्टार तो भी चल जाएगा। जस्ट इनोवेटिव आइडिया बोल के और दिखने में थोड़ा सा स्मार्ट लगेगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से नोजल से यूज़ किया है। प्लीज नोजल के नंबर एक्सप्लेन करो। नोजल का जो नंबर है दोनों, वो एक हम लोगों ने यूज़ किया है नूर का। अगर नोजल आप लेते हो तो 10 नंबर का नोजल है, जो बिग नोजल आता है उसको कपकेक नोजल भी बोला जाता है। ठीक है, या वन ड्रॉप नोजल, जिससे एक ड्रॉप में ही बहुत अच्छा सा क्रीम का या कुकीज़ का शेप निकलता है, तो इसको वन ड्रॉप नोजल बोला जाता है, या तो फिर कुकीज़ नोजल भी बोला जाता है, या फिर नंबर से अगर देखा जाए तो नूर का 10 नंबर का बिग नोजल है। इसी के साथ साथ अगर हम लोगों ने दूसरा रोजेट वाला डिज़ाइन बनाना है तो 1 mm नोजल, जो हम लोग डॉल के लिए या फिर नॉर्मली रोजेट डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं वो हम लोगों को यूज़ करना है। बैटर एक्सप्लेन करो एक बार। बैटर रेसिपी को अगेन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ओके, मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, कि पहले हम लोग इसके लिए यहाँ पे कोको पाउडर ले लेंगे। विद इन अ सेकेंड, ओके, रेसिपी अभी हम लोग रिपीट करेंगे। ये रेसिपी को रिपीट कर रही हूँ। रेसिपी के लिए हम लोगों ने मेजरमेंट जो लिए थे उसमें 80 ग्राम मैदा लिया है, सॉरी 80 ग्राम हम लोगों ने इसमें बटर लिया है, 100 ग्राम हम लोगों ने इसमें मैदा लिया है, 30 ग्राम आइसिंग शुगर लिया है और वैनिला एसेंस लिया है 1 टीस्पून। ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स वाला हमारा ये कुकीज़ है, जिसमें 30 ग्राम आइसिंग शुगर है, 80 ग्राम बटर है, इसमें सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों भी बटर आप ले सकते हो, और 100 ग्राम मैदा है, 1 टीस्पून हम लोगों ने इसमें डाला है वनीला एसेंस। वनीला बटर कुकीज़ हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं। और अब ये जो कुकीज़ का डो है इसी में हम लोग चॉकलेट कुकीज़ भी बना सकते हैं। जैसे वनीला कुकीज़ बना रहे हैं तो इसमें मुझे फ्लेवर्स बनाना है, तो यही कुकीज़ में आप बहुत सारे फ्लेवर्स बना सकते हो। इसमें चाहे तो मैं अभी जैसे मैंगो का सीज़न है, थोड़ा सा इसेंस की जगह मैंगो इमल्शन डाल दूँ, जिससे कि इसको कलर आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा और ये मैंगो वाला कुकीज़ जो है हमारा यहाँ पे बन जाएगा। सेम इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी, अगर आपके पास इमल्शन नहीं है तो आप इसमें कलर्स भी ऐड कर सकते हो। मतलब 1/2 टीस्पून कलर डालना है और 1/2 टीस्पून आपको इसेंस डालना है। इसेंस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हो। और एक कॉमन कुकीज़ होता है कि जो कि चॉकलेट कुकीज़, एक वनीला कुकीज़ और एक चॉकलेट कुकीज़, तो यही बटर कुकीज़ में हम लोग चॉकलेट वाला कुकीज़ भी बना सकते हैं, जो सबका बहुत पसंदीदा होता है चॉकलेट कुकीज़। और चॉकलेट कुकीज़ बनाने के लिए एज इट इज़ मेजरमेंट रहेगा। जस्ट हम लोगों को इसमें क्या करना है, एक तो थोड़ा सा बटर एक्स्ट्रा डालना है और थोड़ा सा हम लोगों को इसमें
वन टेबल स्पून जितना हम लोगों को इसमें क्या डालना रहेगा, कोको पाउडर। ये यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लिया वन टेबल स्पून। हाफ रेसिपी हम लोगों ने वेनिला का बनाया है और हाफ रेसिपी में हम लोग यहाँ पे चॉकलेट मिक्स कर रहे हैं, तो ये हमारी चॉकलेट बटर कुकीज बनेगी। अब इसमें आप लोग रेनबो के कलर्स बना सकते हो, चाहे जितने कलर्स डाल लो, एसेंस डाल लो, तो ये फ्लेवर वाली कुकीज जो है हमारी बन जाएगी। गैस पे बेक, गैस पे भी बेक कर सकते हैं। अगर गैस पे बेक करना है तो 10 मिनट हम लोगों को पहले उसको प्रीहीट करना है कम गैस के ऊपर, और फिर देन उसके बाद में बेकिंग के लिए भी जब आप लगाओगे गैस पे, तो आपको कम गैस पर ही इसको 15 मिनट्स के लिए रखना रहेगा। अब हमारा ओवन जो है वो प्रीहीट हो चुका है, ठीक है, और हम कुकीज़ को भी लेके आ जाएंगे, उसको भी हम लोग बेकिंग के लिए रख देंगे। इसमें अगर मुझे ऐसे लगता है कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट है तो हल्का सा इसमें हम लोग कलर डाल सकते हैं या थोड़ा सा कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी बनेगी चॉकलेट वाली कुकीज़। और हमारा डो जो आप देख रहे हो, ये देखो इसी तरह से हमारा डो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुकीज़ फॉर्म में हमारा डो नहीं होना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पर मेरी जो कुकीज़ है इसको मैंने थोड़ा सा फ्रिज में रखा, तो ये क्या है कि थोड़ी सी फॉर्म हो गई, तो जैसे ही रखेंगे ना एकदम से बटर स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल इसको टेक्सचर है, एकदम से मस्त हम लोगों ने एक मोदक जैसा डिज़ाइन डाला है और एक रोजेट जैसा डिज़ाइन हम लोगों ने इसमें डाला है। देखो ये मोदक वाला डिज़ाइन, ये देखो हम लोग इसको हाथों में उठा के आपको बता रहे हैं तो भी डो कितना परफेक्ट और सेट है, ठीक है। इसी तरह से आपका भी ये कुकीज जो है ये बनने वाला है। और ये रोज़ वाला डिज़ाइन, ये देखो कितना ब्यूटीफुल, ये हम लोग रोज़ अभी आपको हैंडल करके दिखा रहे हैं, अभी तो ये कुकीज़ बेक भी नहीं हुआ है, आफ्टर बेकिंग और भी डिलीशियस लगेगा और खाने में तो नो डाउट कि बहुत ही सुपर ये लगने वाला है, ठीक है। इस तरह से सेट करके हम लोग अब इसको ओवन में रख देंगे। एक बार ओवन का सेटिंग दिखा देते हैं। ओके, ये ओवन को मैंने प्री हीटिंग के लिए लगाया था। यहाँ पे देखो आप कि ये 100 है, 110 एंड 120, 120 पर बॉटम एंड अपर ये दोनों भी ऑन है। और अब मैं इसको 15 मिनट्स के लिए, पहले प्री हीटिंग हो चुका है, अब हम लोग इसको 15 मिनट्स के लिए बेकिंग के लिए छोड़ देंगे। वॉइस क्लियर है सबको, सारी चीजें समझ में आ रही है? रेसिपी अगेन रिपीट करना है। इसमें बटर कितना डाला आपने? किसमें? इसमें सेम रेसिपी, मैंने कुछ भी अभी चेंजेस नहीं किया है, सेम रेसिपी में मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून जो है इसमें कोको पाउडर ऐड कर दिया है। हल्का सा अगर डो इस तरह से लगता है ना, ठंडी के दिनों में क्या होता है कि डो थोड़ा जल्दी से जम जाता है, गर्मी के दिनों में थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, ठंडी के दिनों में बहुत जम जाता है, तो हल्का सा इसमें बटर का हाथ लेके हम लोग इसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी मैं पाइपिंग बैग में फिल करूँगी, सेम उसी तरीके से हम लोग ये भी कुकीज़ जो है वो बना लेंगे, एक रोजेट वाला डिज़ाइन और एक मोदक वाला डिज़ाइन। ये देखो पहले अभी मैंने रोजेट वाला डिज़ाइन लिया है। ओटीजी में दोनों रॉड ऑन रखने हैं क्या? हाँ, दोनों रॉड ऑन रखने हैं, ठीक है। ओटीजी में दोनों रॉड ऑन रखने हैं, माइक्रोवेव में भी आप लोग बना सकते हो। और यहाँ पे देखो रोजेट डिज़ाइन हम लोग अगेन चॉकलेट वाले कुकीज़ के साथ, सी देखो कितना ब्यूटीफुल हमारा ये जो है यहाँ पे ये कुकीज़ दिख रहा है, आफ्टर बेकिंग भी ये इतना ही डिलीशियस दिखने वाला है। ओ ये देखो यहाँ पे इसमें प्रेशर एक्स्ट्रा होने की वजह से ये नोज़ल बाहर निकल गया, तो हम लोग इसको दूसरे इसमें डाल देंगे तुरंत ही। एक नया पाइपिंग बैग लेंगे, उसमें ये सेम नोज़ल को डाल दिया।
ठीक है, वन मोर हम लोग इसी तरीके से इसको यहाँ पे डाल देंगे। रेसिपी रिपीट करो, मैं अब भी जानती हूँ। ओके ठीक है ठीक है, मैं रेसिपी अगेन रिपीट करूँगी। सेम अगेन हम लोगों ने जो मोदक वाला लिया था ना उसको भी डाल देते। इसको भी मुझे थोड़ा फ्रिज करना रहेगा ना, दैट्स वाई पहले मैं एक बार ये बता देती हूँ। देन ये जब फ्रिज करने के लिए जाएगा तब हम लोग इसको रेसिपी रिपीट करेंगे। अब इसमें देखो मार्बल इफेक्ट निकलने वाला है, बिकॉज मैंने वैनिला वाला ही अगेन ले लिया है तो यहाँ पे मार्बल इफेक्ट दिखेगा। ये देखो कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर इसका आया है। अगेन ये देखो ये नोजल, ये मार्बल इफेक्ट, और अब यहाँ पे सी परफेक्ट। वन मोर, आप देख रहे हो कि इतने से बैटर में हमारी कितनी सारी कुकीज बनी है और बहुत ही परफेक्ट बनी है सारी। आप टेक्सचर भी देख सकते हो, आफ्टर बेकिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जब बेकिंग के लिए जाएगा और वो बेक होके आता है तब तक मैं आपको रेसिपी एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा नहीं नहीं हम लोगों ने पहले वाले जो किसी को लग रहा है कि मैंने बटर यूज़ किया आगे, तो दो बार ऐसे नहीं है। मैंने सेम मेजरमेंट लेके एक ही बैटर में दोनों कुकीज़ आपको बताई है। हाफ बैटर में पहले मैंने वैनिला का डाल दिया, उसी में 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर ऐड किया है और फिर मैंने ये इसमें भर दिया। अब ये जो पाइपिंग बैग है ये पहले मैंने यूज़ किया था, ठीक है। ये पहले मैंने वैनिला वाला कुकीज़, मतलब जो वाइट कलर वाला कुकीज़ था उसके लिए हम लोगों ने इसको यूज़ किया था, वही हम लोग अगेन यूज़ कर रहे हैं। मतलब जिसमें कि मुझे आपको मार्बल इफेक्ट भी दिखाना हो गया। मतलब एक ही बैटर में हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ कुकीज़ आप लोगों को बताई लाइव में, और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस के फ्लेवर्स आप लोग बना सकते हो। मतलब ये एक ही इसमें आपके बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ फ्लेवर जो है वो बन जाएंगे। रिमेनिंग बैटर है हमारा तो वो हम लोग यूज़ कर लेंगे पूरा, जिसमें हमारी और एक कुकीज़ जो है वो बन जाएगी। OTG कौन सा? OTG कोई भी लो आपके हिसाब से, आपके पास जो है, ठीक है। मेरे पास मोफी रिचर्ड से, मैं उसमें 120 डिग्री पर प्रीहीट किए हुए अवन में 15 मिनट्स के लिए इसको रखूंगी। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि ये कुकीज़ को आपको पाइपिंग बैग से ही डालना है। आप लोग नॉर्मली इसका डो फॉर्म करके उसको वैसे भी कर सकते हो। इसको मैं जस्ट फ्रिज कर दूंगी, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नीला जोशी, कितना वक्त बेक करना है ये आपने पूछा है। ये जो है हम लोगों को 15 मिनट्स के लिए बेक करना है। अभी हम लोगों ने 15 मिनट्स के लिए हमारी कुकीज़ रखी है और उसमें से 5 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। मैं तुरंत ही ये कुकीज़ आपको बताऊंगी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, आसानी से घर पे मिल जाते हैं। मतलब लॉकडाउन के हिसाब से अगर अभी कहीं लॉकडाउन चल भी रहा है तो आपको ये इंग्रेडिएंट्स कहीं पर भी आसानी से मिल जाएंगे और बहुत ही फटाफट आप लोग ये कुकीज़ बना सकते हो। मेन चीज़ इसमें ये है कि आप लोग इसको गेहूं के आटे के साथ भी बेक कर सकते हो, यस। और एक चीज़ है कि इसमें ना बेकिंग पाउडर है ना बेकिंग सोडा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा बच्चों को देने के लिए बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं जब भी मैं क्लास कंडक्ट करती हूँ कि मैम हम लोग सोडा यूज़ करते हैं वो बेटर होता है क्या, हम लोगों ने बेकिंग पाउडर इतना खाना चाहिए क्या। तो ये कुकीज़ सब उन सब के लिए बहुत ही परफेक्ट कुकीज़ है
और बहुत ही डिलीशियस ये कुकीज़ बनती है। और साथ ही साथ दिखने में ये जो कुकीज़ है इसमें इतने सारे वेरिएशंस आप लोग कर सकते हो, कलरफुल बना सकते हो, फ्लेवर्स में बना सकते हो, तो भी ये उतनी ही स्मार्ट लगती है। नॉर्मल सिंपल स्टार मोजर के साथ भी आप लोग ये कुकीज़ को बना सकते हो, ठीक है। और अगेन किसी के कोई क्वेश्चन है, क्योंकि एक साइड हमारा बेकिंग गया है, एक साइड हम लोगों ने फ्रिज होने के लिए रखा है दूसरा फ्लेवर, और किसी ने मुझे बोला था कि रेसिपी रिपीट करना, तो मैं अगेन रेसिपी को अभी वापस से रिपीट करती हूँ। चॉकलेट चिप्स यूज कर सकते हैं? हाँ यस, चॉकलेट चिप्स यूज कर सकते हैं, बट जब चिप्स यूज करोगे तो आप नोजल में उसको नहीं डाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि जब आप उसको नोजल में अगर डालोगे तो वो नोजल में अटक जाएगा। ये कुकीज में आप लोगों को अगर चोको चिप्स डालना है तो आप डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। रेसिपी रिपीट करूंगी, हम लोग अभी बना रहे हैं वैनिला बटर कुकीज, आप लोग हो जिनेश कुकिंग क्लासेस के साथ रूपाली बाठिया, और हम लोग देख रहे हैं वैनिला बटर कुकीज। तो वैनिला बटर कुकीज में हम लोगों ने 30 ग्राम आइसिंग शुगर लिया है, ठीक है, 30 ग्राम आइसिंग शुगर है। देन इसके बाद में हम लोगों ने 80 ग्राम जो है बटर लिया है, क्योंकि कुकीज का नाम ही बटर कुकीज है तो बटर इसमें बहुत ज्यादा है, तो 80 ग्राम हम लोगों को बटर लेना है। 100 ग्राम हम लोगों ने लिया है मैदा, और वेनिला एसेंस लेना है 1 टीस्पून। जस्ट ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ज़्यादा कोई भी रेसिपी में आपको इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा नहीं करना है, और बहुत सिंपल तरीके से ये हो जाएगा, ना एक्स्ट्रा स्वीट रहेगा, क्योंकि आइसिंग शुगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी ओनली 30 ग्राम है, एकदम परफेक्ट और क्रिस्प ये जो है हमारा कुकीज़ बनता है, दिखने में भी उतना ही डिलीशियस लगता है, ठीक है। तो ये कुकीज़ को हम लोगों ने लिया, बटर और आइसिंग शुगर को दोनों को मिक्स करके हम लोग इसको बीट करेंगे। आपके पास बीटर नहीं है तो आप स्पैचुला या विस्कर से भी इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर सकते हो। देन उसके बाद में वैनिला एसेंस डालना है और मैदा डालना है। आप अपनी क्लास में क्या क्या सिखाते हैं? उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना है या फिर मेरा पेज देखना है, जिनेश कुकिंग क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों जगह पेज है, आप सर्च कर सकते हो। चाहे तो मेरा आप नंबर नोट डाउन कर सकते हो कि जिससे आप मुझे व्हाट्सएप कर सको और उसमें मैं आपको पूरा डिटेल्स देती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग खाद्य खुराक के चैनल पर है, और बहुत बहुत थैंक यू अल्पना जी को भी, लता जी को भी, और खाद्य खुराक चैनल को भी कि आपने मुझे ये मौका दिया। अल्पना जी पूछ रहे क्या क्या सिखाते हो, बोलो। ओके, मैं जो जो सिखाती हूँ उसमें 74+ कोर्सेस है, और जितने भी हमारे कोर्सेस है वो पूरे ऑनलाइन है, साथ ही साथ वेज है, ओनली वेज में हम लोग काम करते हैं। 70+ कोर्सेस ऑनलाइन में है, जिसमें चीज़ केक है, नॉर्मल केक से डिज़ाइनर केक है, बेकिंग का डिप्लोमा, डिग्री, कुकिंग का डिप्लोमा, एकदम स्क्रैच से जिसमें पंजाबी, चाइनीज़, मॉकटेल कुकीज़ आ गया, आइसक्रीम आ गया, इटालियन है, मैक्सिकन है, एवरीथिंग हम लोग सिखाते हैं। 70+ कोर्सेस अभी ऑनलाइन में हमारे अवेलेबल है, जो आप एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ लाइफ टाइम एक्सेस के साथ हमारे सारे कोर्सेस है, ठीक है। इतने बटर में कितने कुकीज बनती है? ओवन प्री हीटिंग का फिर से बोलो, और पाउडर शुगर यूज़ कर सकते हैं? हाँ यस, पाउडर शुगर, आइसिंग शुगर की जगह आप पाउडर शुगर बिंदास यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतने बैटर में हमारी कितनी कुकीज़ बनेगी? तो ऑलमोस्ट 10 to 12 कुकीज़ बनती है। इतने बैटर में एक अंदाजे हम लोग अगर गिने तो 150 ग्राम to 200 ग्राम तक हमारी कुकीज़ बनती है। और ओवन प्री हीटिंग का मैं अगेन एक्सप्लेन करूँगी कि अगर हम लोग OTG या माइक्रोवन दोनों में भी बेकिंग करते हैं तो हम लोग को कन्वेक्शन मोड, माइक्रो मोड पर, OTG में दोनों रॉड ऑन 120 डिग्री पर प्रीहीट करना है पहले ओवन को। आपका मोबाइल नंबर बोलो। ओके, 120 डिग्री पर पहले मुझे इसको प्रीहीट करना है, ठीक है, 10 मिनट्स के लिए, और आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग बेकिंग के लिए रखेंगे 15 मिनट्स के लिए 120 डिग्री पर ही। ओके, गॉट इट। अब मैं मेरा मोबाइल नंबर बोलती हूँ, जिनेश कुकिंग क्लासेस औरंगाबाद, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा नंबर है 8275269012, ठीक है। अगेन रिपीट करूँगी, 8275269012। थैंक
थैंक यू हिमाचल मेहता, वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी। ओके, अभी रेसिपी को रिपीट हम लोगों ने कर दिया है, रिकॉर्ड मेरा 15 मिनट्स भी हो चुका है। जस्ट सेकंड हम लोग कुकीज़ को चेक करते हैं और किस तरह से आपको भी चेक करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके, पहले टाइप है, एक 2 or 3 मिनट्स और लेगा। इस तरह से नहीं, इसमें पैलेट नाइफ दिखाना पड़ेगा उठाते वक्त, क्योंकि रोजेस वाला डिजाइन है ना, दैट्स वेयर। हाँ ठीक है, स्पैचुला भी हो जाएगा या ये भी। ओके देन, अभी और एक 2 से 3 मिनट, तब तक हम लोगों ने जो दूसरा फ्रिज में रखा था वो वाला कुकीज को भी बेकिंग के लिए रख देते हैं। मतलब दोनों कुकीज में बेकिंग के साथ आपको दिखा पाऊंगी। पारुल शाह 8276 लिखा है आपने, रॉन्ग नंबर है 8275269012, 8275269012। और मैंने टाइपिंग कर भी मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में डाल के रखा है। ठीक है, ये देखो, ये चॉकलेट वाली कुकीज़ है। अब इसको भी अगर मैं आपको यहाँ पे इस तरह से उठा के दिखाऊंगी, ये देखो कितना अच्छे से फॉर्म हो गया है हमारा कुकीज़, डन। ठीक है, वन मोर, मैं यहाँ पे एक ये वाला लेती हूँ। ये देखो, ये कुकीज़ कितना अच्छे से फॉर्म हो चुका है, हम लोग इजीली इसको हैंडल कर रहे हैं अभी ही। ठीक है, अभी ये इसके सेंटर में हम लोग चाहे तो थोड़ा सा ऐसे डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा छोटा करके कट करके इस तरह से चेरीज भी रख सकते हैं, नॉट नेसेसरी, बट डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक इसमें हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा है भी जगह, और एक इसमें अगर डालना है तो ये यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको डाल देंगे। आप बेकिंग के पहले डालो, बेकिंग के बाद में डालो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस हिमाचल मेहता, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा नंबर शेयर किया। और अब इसको भी मैं बेकिंग के लिए डाल दूंगी। बेकिंग के लिए इसको मुझे वही सेम है, भले वनीला वाला रहो या और कोई फ्लेवर का रहो या चॉकलेट वाला रहो, इसमें हम लोगों को 120 डिग्री पर प्री हीट किए हुए ओवन में 15 मिनट्स, बट अभी और 2 मिनट मुझे एक्स्ट्रा रखना है, तो एक ऑलमोस्ट समझ लो 15 से 20 मिनट्स में हम लोग इसको बेक कर सकते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स में ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। जस्ट वेट जस्ट अ मिनट। ओके, तब तक और कोई क्वेश्चंस है? हल्का सा जो गरम गरम रहेगा ना, जैसे ही निकलेगा, अभी वनीला वाली कुकीज़ में हम लोगों ने नहीं रखा, जबकि वनीला वाली कुकीज़ में रखते थे तो वाइट एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ही स्मार्ट दिखता था। तो गरम गरम कुकीज़ में जब जैसे ही हम लोग स्टिक करेंगे ये स्टिक हो जाएगा, और अगर आप लोग पहले से बैटर में लगा देते हो तो वो तो बहुत ही बेटर ऑप्शन रहता है। क्या? अच्छा, डबल कलर का रेसिपी, डबल कलर के लिए कोई रेसिपी नहीं है। वनीला बैटर लिया, चॉकलेट बैटर लिया, दोनों को थोड़ा थोड़ा डाल दिया। अभी मैंने तो क्या किया कि जस्ट जो वनीला वाला कोन था जिसमें पहले मैंने कुकीज़ को फ्रॉस्ट किया था, उसी में मैंने चॉकलेट वाला बैटर डाल दिया, तो जो फर्स्ट 2 कुकीज़ निकला ना उसमें अपने आप मार्बल शेड आ गया, थोड़ा वाइट का शेड एंड थोड़ा चॉकलेट का शेड, तो ये अपने आप 2 लेयर वाला कुकीज़ जैसे बन गया। बट अगर आप इसमें 2 कलर डालना चाहते हो तो एक ही पाइपिंग बैग में एक साइड में वनीला और एक साइड में चॉकलेट, इस तरह से दोनों बैटर को आपको डालना है और देन फिर फ्रॉस्ट करना है, तो ये बहुत ही अमेजिंग सा इसमें कलर आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मार्बल वाला कुकीज़। ओके,
रेसिपी अगेन रिपीट करना है, तो ठीक है हम लोग अगेन रिपीट करते हैं यहाँ पे। मोना दावर, ओके रेसिपी प्लीज। पारुल शाह, कैन यू सजेस्ट बेस्ट माइक्रोवेव? अगर बेकिंग के लिए आप सोचते हो तो मैं आपको बोलूँगी कि माइक्रोवेव से बेटर ओटीजी रहता है पारुल, है ना। अगर आपको कंटिन्यूसली बेकिंग का वर्किंग होता है तो आपने बेकिंग के पर्पज से ओटीजी ये करना चाहिए। और ओटीजी के लिए कभी भी कोई मुझे पूछता है तो मैं उनको दो ही ऑप्शन हमेशा देती हूँ, एक तो बजाज या तो फिर मर्फी रिचर्ड्स। मर्फी रिचर्ड्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने सारे स्टूडेंट्स को मैं वही सजेस्ट करती हूँ, वो लोग भी यूज़ करें, अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आया है। ठीक है, और क्वेश्चन। नीना जोशी, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा, सामान्य तापमान मतलब किस चीज़ का, प्लीज़ आप अगेन मुझे बोलोगे? अच्छा नीला जोशी, आपका क्वेश्चन ये है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो ना, तो हाँ सारे इंग्रेडिएंट्स रूम में टेम्परेचर पर चाहिए। मैदा तो एज इट इज़ हम लोगों को लेना है, इसेंस एज इट इज़ लेना है, आइसिंग शुगर, सिर्फ जो बटर है वो नॉर्मल टेम्परेचर वाला रहेगा तो बीट करने में आसानी होगी, है ना। मेल्टेड बटर नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला बटर मुझे यूज़ करना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग कुकीज़ को चेक करेंगे एक बार। नीचे से बेकिंग चेक करेंगे, एक मिनट में आप लोगों को भी कुकीज़ दिखाती हो कि किस तरह से बेक हो रही है। माधवी पाठक, थैंक यू सो मच। वाओ, देखो ये हमारी कुकीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल बन गई है और वनीला वाली कुकीज़ हमारी रेडी हो चुकी है। सी कितना अच्छा सा गोल्डन टेक्सचर आया है, दिख रहा है। अब हम लोग इसको निकालेंगे। ये देखो बहुत ही परफेक्ट हमारा कुकीज़ जो है बेक हो चुका है। थैंक यू अल्पना जी, ये देखो कितना सुपर्ब है। पहले तो हम लोग इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं, इट्स टू हॉट। और आप देखो कि इसको सिर्फ 10 मिनट्स फ्रिज में रखने की वजह से इसका शेप जो है ना वो एज इट इज़ रहा, एकदम परफेक्टली रहा है ये। ये देखो कुकीज़ ऐसी की ऐसी, अब कुकीज़ बेक हो चुकी है ये देखने के लिए। पहले तो इसमें ऊपर से कलर आ गया है, बट स्टिल कभी कभी ऐसे लगता है तो, है ना, हम लोग इसको एक कुकीज़ को थोड़ा सा तोड़ के देखना होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे उठाओगे तो नीचे से जो कुकीज़ है वो थोड़ा सा यही कलर का एकदम ऐसे ब्राउनिश जैसे दिखेगा। ये बहुत हॉट है, इतना परफेक्टली ये बेक हुआ है और एकदम लुक में डिलीशियस है, तो अब हम लोग इसको नहीं तोड़ेंगे, इस पर सिर्फ थोड़ा सा चेरी लगाते हैं, है ना। जैसे किसी का क्वेश्चन था ना कि आफ्टर किस तरह से लगाएंगे, तो एक इस पर हम लोग सिर्फ ये जो मोदक वाला डाला है ना उस पर लगा के दिखाते हैं। हल्का सा प्रेस करो, बहुत ज़्यादा नहीं, ये देखो एकदम सॉफ्ट रहता है। जब भी कोई कुकीज़ बनेगी वो पहले 20 मिनट्स के लिए एकदम सॉफ्ट रहेगी और वो जब थोड़ा ठंडा हो जाएगी तभी आपको उसको चेक करना है टेस्ट के लिए भी, क्योंकि गर्म में शक्कर भी आपको कम लगेगा और देन बाद में परफेक्ट लगेगा। ठीक है, और ये एकदम सॉफ्ट भी लगेगी। अभी अगर मैं इसको हैंडल करती हूँ तो ये सॉफ्ट लगेगी और देन उसके बाद में एकदम क्रिप्स हो जाएगी। एक विद इन अ 5 मिनट्स में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कितना क्रिप्स लेयर रहेगा। ऐसे हम लोग उसको तोड़ते हैं तो एकदम क्रंची वाला इफेक्ट इसमें से आने वाला है। रेनू मोदी, वो माउथ वाटरिंग, थैंक यू सो मच। अलका, थैंक यू। पारुल शाह, यस प्लीज़ व्हाट्सएप मी। ठीक है,
और एक साइड में मैं आपको ये वाली कुकीज़, तो अभी ये बेक हो गई चॉकलेट वाली कुकीज़, बता देती हूँ, इसको फ्रिज में रखी। फ्रिज वाली ही रखी ना यहाँ पे। हाँ, ये देखो इस तरह से ये वाली कुकीज़ भी जो है हमारी बेक हो रही है। ठीक है, हाँ अग्रवाल मनीषा, चेरी की जगह जैम लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, निधि वर्मा, थैंक यू सो मच। अमृता नवलखा, थैंक यू सो मच अमृता। ओके, आपको रेसिपी बहुत अच्छे से समझ में आया, डन। आज हम लोगों ने देखा है वैनिला बटर कुकीज़, एक विद इन द 2 मिनट्स में मैं आप लोगों को यहाँ पे उसको प्रेजेंट करके दिखाऊंगी, जो बहुत ही डेलीशियस लगेगा, साथ ही साथ एकदम क्रंची इफेक्ट रहेगा। डो फ्रिज में रखने के बाद सेट हो जाएगा, तो उसके बाद में हम लोग शेप नहीं दे सकते, इसलिए जब डो रेगुलर है तभी उसको हम लोगों को शेप देना है, देन उसके बाद में आप फ्रिज करो। फ्रिज जल्दी आप चाहो तो आधे घंटे की जगह 1 घंटा 2 घंटा भी एक्स्ट्रा कर सकते हो, फ्रिज एक्स्ट्रा होने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रिज में आप उसको एक्स्ट्रा रख सकते हो, बट पहले ही, मतलब पहले आप उसको डिज़ाइनिंग कर लो एंड देन उसके बाद में आप उसको फ्रिज में रखो, क्योंकि जब फ्रिज में रखेंगे तो सेट होने के लिए रखते हैं हम लोग। ओके, लास्ट टाइम मैं रेसिपी अगेन रिपीट करती हूँ। कविता, हम लोगों ने इसमें ना कैस्टर शुगर तो यूज़ किया ही नहीं है, हम लोगों ने आइसिंग शुगर यूज़ किया है सबसे फर्स्ट, और आइसिंग शुगर की जगह हम लोग पाउडर शुगर ले सकते हैं, ये मैंने अगेन रिपीट किया। अभी हम लोग रेसिपी भी अगेन रिपीट कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ, साथ ही साथ हम लोग इसका प्रेजेंटेशन भी करते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही अमेजिंग ये कुकीज़ जो है दिखने वाला है। ओके, लास्ट 10 मिनट्स है हमारे पास, और लास्ट 10 मिनट्स में हम लोग आपको पूरा रेसिपी अगेन एक्सप्लेन करते हैं। एक सेकेंड, मैं जस्ट चॉकलेट वाला कुकीज़ एक बार चेक करती हूँ। चॉकलेट वाला कुकीज़ भी ऑलमोस्ट डन जैसा हो जाएगा। चॉकलेट कुकीज़ में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज वैनिला वाली कुकीज़ में आपको ऊपर से ब्राउनिंग लेयर दिखता है, इसमें नहीं दिखेगा, है ना, इसमें नहीं दिखेगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये ऑलरेडी चॉकलेटी कलर और फिर उसमें ब्राउन लेयर से समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा एक 15 मिनट्स के बाद चेक करना है। ओके, एक प्लेट दे देना। थोड़ा गरम गरम में निकालोगे ना तो कुकीज़ जो है वो टूटने का डर रहता है, इसलिए मैं कुकीज़ को प्रेजेंट करते करते आप लोगों को इसका रेसिपी रिपीट करती हूँ। और एक प्लेट और थोड़ा पुदीना। ये देखो, ये हमारी वैनिला बटर कुकीज़ जो है यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, और ये जो रोजेट वाला है ना, इसको हम लोग पुदीने के साथ अगर सजा पाए तो एक फ्लावर्स के बाजू में एक ग्रीन कलर का पत्ता जैसे हम लोग इसको रख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा समथिंग चेंज। अभी आप इसको बनाओ और चाय के साथ इंजॉय करो। मेजरमेंट रिपीट कर रही हूँ, 80 ग्राम बटर, ठीक है, 100 ग्राम मैदा, 30 ग्राम आइसिंग शुगर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। बटर और आइसिंग शुगर को दोनों को लेना है, बीट करना है, देन इसके बाद में हम लोगों को उसमें एसेंस डालना है, अगेन थोड़ा सा बीट करके मैदा डालना है, और जैसे ही बीट हो जाएगा पाइपिंग बैग में भर के इसको हम लोगों ने नोज़ल से ड्रॉप डाला है, थोड़ा सा फ्रिज कर दिया बैटर को, जिससे कि इसको कलर जो है वो, सॉरी, इसका जो बैटर है वो थिक हो जाएगा और फिर ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखो, ये हमारी कुकीज़ कितनी डिलीशियस बनी है, दिखने में ही देखो आपको कितना मस्त लगेगा। आप ये कुकीज़ बनाओ
बनाने के बाद खाद्य खुराक चैनल और जिनेश कुकिंग क्लासेस के पेज को बिल्कुल भी टैग करना मत भूलना। आप हम लोगों के साथ फ़ोटो शेयर करना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो, और बनाने के बाद टेस्ट में किस तरह से लगी इसका कमेंट ज़रूर ज़रूर दें। ये वाला देखो, दो टाइप का कुकीज़ आज अभी अभी हम लोगों ने बनाया है। ओके, ये देखो ये बेक हो गया। इसी तरह से हमारा चॉकलेट वाला भी बेक हो जाएगा, और ये देखो कितना डिलीशियस बना है। अब एक कुकीज़ को मैं यहाँ पे तोड़ के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो अब ये निकल जाएगा तुरंत ही, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। सी, एकदम सॉफ्ट एंड क्रंची वाला है जो है ये कुकीज़ है, एकदम परफेक्टली बेक हुआ है। ओके, डन। आप लोगों ने एंजॉय किया। अगेन बहुत 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 सारा थैंक यू खाद्य खुराक चैनल के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन की जो आज मेरे साथ ज्वाइन हुए और आप लोगों ने ये रेसिपी को देखा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करें। साथ ही साथ जिनेश कुकिंग क्लासेस औरंगाबाद ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी क्लासेस है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा नंबर है 8275269012, और इसी तरह से आप लोगों का प्यार मिलते रहेगा तो हम लोग बार बार खाद्य खुराक चैनल पर आके आपके साथ ऐसे ही डिलीशियस रेसिपी को यहाँ पे बताएंगे। आप लोग एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।